लंग कैंसर हमारी कंट्री के सबसे कॉमन कैंसर में से एक है। क्या आप जानते हैं कि आज के दिन स्टेज फोर लंग कैंसर का सर्वाइवल ईयर्स और कभी कभी डेकेड से भी कहना जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विनीत गोविंद गुप्ता, MBBS MD एंड DM फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली, और मैं दिल्ली में स्थित कैंसर विशेषज्ञ यानी कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारी कंट्री में लंग कैंसर एक बहुत ही कॉमन कैंसर है। क्लासिकली स्मोकिंग रिलेटेड कैंसर होता है, तो सिगरेट और बीड़ी के सेवन से होने वाला कैंसर है जो हमारी कंट्री में बहुत फ्रीक्वेंट है, खासकर मेल्स में। हालांकि नॉन स्मोकर्स में भी ये कैंसर होता है। फ्रेंड्स, लंग कैंसर की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट एडवांस स्टेज यानी स्टेज फोर में ही पकड़े जाते हैं, और जब बीमारी पकड़ी जाती है यूजली इसमें सर्जरी और रेडिएशन पॉसिबल नहीं होती है। तो यदि हम क्लासिकली देखें, इफ यू गो बैक 20 ईयर्स, तो इस कैंसर का आउटकम बहुत ही बुरा माना जाता था, और क्लासिकली ये बोला जाता था कि इस कैंसर में सिवाय कीमोथेरेपी के कोई ट्रीटमेंट नहीं है, और पेशेंट का एवरेज सर्वाइवल ओनली अराउंड 8 to 10 months माना जाता था। पर तो रिसेंटली बहुत मेजर मेडिकल एडवांसमेंट इस लंग कैंसर की फील्ड में हुई है, और यदि हम बात करें लास्ट 20 ईयर्स में इस कैंसर का ट्रीटमेंट कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गया है, और लास्ट 5 ईयर्स में एक एक्सपोनेंशियल रेट से ट्रांसफॉर्मेशन होता जा रहा है, जिससे इस कैंसर का सर्वाइवल बहुत ही फास्ट रेट से इंप्रूव हो रहा है। और आज के दिन मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट में स्टेज फोर लंग कैंसर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उनका सालों का सर्वाइवल होगा, और कुछ पेशेंट में सर्वाइवल डेकेड्स भी गिन सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम स्टेज फोर लंग कैंसर का लेटेस्ट ट्रीटमेंट यानी 2024 से रेलेवेंट डिटेल में डिस्कस करेंगे, और आपको स्टेज फोर लंग कैंसर की ट्रीटमेंट की अप्रोच की पूरी तरह जानकारी देंगे। तो ध्यान से वीडियो से जुड़े। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बड़ी ब्रीफ में डिस्कस करते हैं कि स्टेज फोर लंग कैंसर से हमारा तात्पर्य क्या है। तो फ्रेंड्स, लंग कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो फेफड़े यानी राइट या लंग लेफ्ट फेफड़े के अंदर शुरू होता है एक ट्यूमर के फॉर्म में, जो कि पहले फेफड़े में थोड़ा फैलता है और फिर डिस्टेंट साइड में फैल जाता है। तो स्टेज फोर लंग कैंसर वो लंग कैंसर है जो बीमारी फेफड़े और फेफड़े के पास के लिम्फ नोड के अलावा बॉडी में कहीं भी फैला हुआ है। तो इसके क्लासिकल एग्जांपल है यदि एक लंग से दूसरी लंग में फैला हो, यदि लंग के अराउंड जो पानी है उसके अंदर फैला हो, यदि बोन में फैला हो, लिवर में फैला हो, एड्रिनल ग्लैंड में फैला हो, या ब्रेन में फैला हो। यदि किसी भी साइट पे ये कैंसर फैल चुका है तो इसको स्टेज फोर या मेटास्टेटिक या एडवांस लंग कैंसर बोला जाता है, और लंग कैंसर में सबसे कॉमन स्टेज स्टेज फोर ही होता है। इनफैक्ट इंडिया में जो रिसर्च कहती है वो ये कहती है कि यदि 100 लंग कैंसर के पेशेंट है तो 100 में से 70-80% पेशेंट स्टेज फोर में ही कैच किए जाते हैं, और ज्यादातर पेशेंट एडवांस स्टेज में बीमारी डायग्नोज होती है, जिसका मेन रीजन ये है कि अर्ली स्टेज में इस कैंसर में कोई सिम्टम नहीं होता। तो टिपिकली जब तक पेशेंट को कोई वेट लॉस, चेस्ट पेन, फीवर कोई प्रॉब्लम होती है, तब तक यूजली बहुत देर हो चुकी होती है, और ज्यादातर पेशेंट में बीमारी स्टेज फोर में ही पकड़ी जाती है। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि एज अ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, जब पेशेंट मेरे पास स्टेज फोर लंग कैंसर लेके आता है तो हम क्या टेस्ट कराते हैं और क्या जांच कराते हैं पेशेंट का ट्रीटमेंट डिसाइड करने के लिए। तो फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी कोई पेशेंट स्टेज फोर लंग कैंसर लेके हमारे पास आता है, जो कि मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन ऑफ लंग कैंसर है, सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कि किसी भी कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए दो बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक है कि कैंसर का स्टेज क्या यानी कैंसर कहाँ का फैला हुआ है, और एक है कि कैंसर का प्रकार यानी टाइप क्या है, और इन दो पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन से हम किसी भी कैंसर का ट्रीटमेंट डिसाइड कर सकते हैं। तो यदि लंग कैंसर की हम बात करें तो स्टेज जानने के लिए पेशेंट का टिपिकली स्कैन किया जाता है। तो स्कैन में दो ऑर्गन्स की स्कैनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, एक है ब्रेन, जिसके लिए या तो ब्रेन का सीटी स्कैन कर सकते हैं या ब्रेन का MRI कर सकते हैं, और एक है रेस्ट ऑफ बॉडी, जिसके लिए या तो सीटी स्कैन किया जाता है नेक चेस्ट एब्डोमेन पेल्विस का, या पेट स्कैन किया जाता है जो कि एक छोटा पूरी बॉडी का स्कैन कर सकता है। तो मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट में एक्चुअली जिन स्टेट्स में या जिन सिटीज में पेट स्कैन अवेलेबल है उसमें हम लोग पेट स्कैन ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि पेट स्कैन एक शॉट में पूरी बॉडी को स्कैन करके बता देता है कैंसर कहाँ कहाँ है, और पेट स्कैन में ब्रेन का सीटी भी इंक्लूडेड है, इसलिए पेशेंट को अलग से सीटी ब्रेन की जरूरत नहीं पड़ती मेजॉरिटी ऑफ केसेस में। हाउएवर, जिन जगहों पर पेट स्कैन इजीली अवेलेबल नहीं है, उधर पेट स्कैन की जगह पेशेंट सीटी स्कैन करा सकता है पूरी बॉडी का, और ब्रेन का सीटी या MRI करा सकते हैं कंप्लीट स्टेजिंग के लिए, देखने के लिए कि बीमारी कहाँ कहाँ फैली हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं कैंसर का टाइप पता करने के लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होती है लंग कैंसर में, वो ये है कि लंग कैंसर कोई एक बीमारी नहीं होती, लंग कैंसर एक कॉन्स्टेलेशन ऑफ डिफरेंट डिजीजेस है, सबकी जिनका ट्रीटमेंट अलग है, जिनकी जेनेटिक्स अलग है, और जिनकी जांच करके हम पता कर सकते हैं कि किस पेशेंट का कैसे ट्रीटमेंट करना है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी लंग कैंसर पेशेंट में फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज अ बायोप्सी। तो बायोप्सी के बारे में हमने कई बार हमारे चैनल पे वीडियोस में डिस्कस किया गया है। बायोप्सी एक प्रोसेस होता है जिससे ट्यूमर की किसी भी गांठ में चाहे कहीं भी हो बॉडी में कोई सुई डाल के या कोई सैंपल लेके उसका एक टुकड़ा निकालते हैं जो लैब में भेजा जाता है जांच करने के लिए, जिससे कि कैंसर का टाइप भी कंफर्म होता है और कैंसर का जेनेटिक टेस्टिंग के लिए टिश्यू भी हमें मिल जाता है। तो बायोप्सी के बारे में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉमन मिथ होता है लोगों में
कि उन्हें ये शक होता है, डाउट होता है कि बायोप्सी करने से कैंसर फैल जाता है या ज्यादा अग्रेसिवली ग्रो करना जाता है। तो मैं बिल्कुल क्लियरली ये चीज एक्सप्रेस करना चाहता हूँ कि ऐसी कोई कॉन्सेप्ट लंग कैंसर में नहीं है और लंग कैंसर की बायोप्सी एब्सोल्युटली सेफ है। लंग कैंसर की बायोप्सी करने से ना तो कैंसर फैलता है ना वो ज्यादा अग्रेसिव होता है। और इसी टॉपिक पर हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है जो स्क्रीन पे डिस्प्लेड लिंक से आप फॉलो करके इस कॉन्सेप्ट के बारे में भी समझ सकते हैं। तो थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट जो लंग कैंसर में किया जाता है उसको हम बोलते हैं बायोमार्कर टेस्टिंग। तो फ्रेंड्स, बायोमार्कर टेस्टिंग आज के दिन मॉडर्न लंग कैंसर ट्रीटमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट में से एक है और यही टेस्ट है जो पेशेंट को लॉन्ग टर्म या सालों का सर्वाइवल दे सकता है और लॉन्ग टर्म पेशेंट को बेनिफिट दे सकता है। तो डिटेल में चलो समझते हैं बायोमार्कर टेस्ट क्या होता है। तो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, लंग कैंसर कोई एक बीमारी नहीं है, ये एक मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीमारी का कलेक्शन है। तो बायोमार्कर टेस्ट बताता है कि पेशेंट को किस जेनेटिक सब टाइप का लंग कैंसर है और उसका हमें इलाज कैसे करने की जरूरत है। तो सपोज हमारे पास ओपीडी में 10 लंग कैंसर पेशेंट आते हैं, हमें समझने की जरूरत है कि 10 के 10 लंग कैंसर पेशेंट अलग है, चाहे वो स्टेज 4 ही हो, और हर एक के कैंसर में अलग तरह की दवाई काम करेगी और लंग कैंसर में कौन सी दवाई काम करेगी ये बताता है एक टेस्ट जिसको हम बोलते हैं बायोमार्कर टेस्ट। बायोमार्कर टेस्ट को करने के दो तरीके होते हैं। बायोमार्कर टेस्ट ट्यूमर के टुकड़े से कर सकते हैं, पेशेंट के ब्लड से कर सकते हैं। ट्यूमर के टुकड़े से बायोमार्कर टेस्ट का बड़ा सिंपल तरीका है, पेशेंट के जो हमने बायोप्सी पहले ली है उस बायोप्सी का टुकड़ा हम लैब से ले लेते हैं, उसमें कैंसर सेल पड़े होते हैं जिनको तोड़ के उनका डीएनए निकाला जाता है और डीएनए की जांच की जाती है, जो हमें क्लियरली बताती है कि लंग कैंसर का प्रकार क्या है, उसमें कौन सी दवाइयां काम करेगी। साथ ही कोई भी कैंसर यदि बॉडी में होता है तो वो ब्लड में अपने डीएनए को शेड करता है, जिसको ब्लड सैंपल के थ्रू कलेक्ट किया जा सकता है और डीएनए टेस्ट की जांच की जाती है, और इस प्रोसेस को लिक्विड बायोप्सी बोलते हैं। तो लिक्विड, जिन पेशेंट में टिश्यू अवेलेबल नहीं है या बायोप्सी मुश्किल है, उनमें लिक्विड बायोप्सी से भी बायोमार्कर टेस्ट किया जा सकता है। बट इंपॉर्टेंटली लिक्विड बायोप्सी की अपनी लिमिटेशंस है। लिक्विड बायोप्सी में 30% बायोमार्कर्स मिस हो जाते हैं और लिक्विड बायोप्सी में कुछ स्पेशल बायोमार्कर्स को डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है, जैसे कि फ्यूजन और PD-L1। तो लिक्विड बायोप्सी हमेशा हमारा सेकंड प्रेफरेंस है, नॉट आवर फर्स्ट प्रेफरेंस। यदि हम बायोमार्कर टेस्ट करना चाहते हैं, और फर्स्ट प्रेफरेंस इज ऑलवेज टू टेक आउट अ ट्यूमर टिश्यू और उसका डीएनए निकाल के जांच करना, रादर देन पेशेंट के ब्लड से जांच करना। लिक्विड बायोप्सी के टॉपिक में और डिटेल में यदि आप जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर डिस्प्लेड लिंक से हमारे लिक्विड बायोप्सी वाले वीडियो को ध्यान से आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली बात करते हैं कि लंग कैंसर का ट्रीटमेंट इन सब जांचों के और बायोमार्कर टेस्टिंग के बेसिस पर क्या होता है और कैसे इतना अच्छा सर्वाइवल पाया जा सकता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स बात करते हैं कि लंग कैंसर में ट्रीटमेंट मोडालिटी कौन सी होती है। स्टेज 4 लंग कैंसर में कौन से 3 मेन ट्रीटमेंट है जिससे पेशेंट को हम अच्छा आउटकम दे सकते हैं। तो सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट मोडालिटी होता है टारगेटेड थेरेपी। तो फ्रेंड्स, टारगेटेड थेरेपी के टॉपिक को हमने कई बार डिस्कस किया है, पर बेसिकली टारगेटेड थेरेपी कुछ स्पेशल दवाइयां या ट्रीटमेंट्स होती है जो सिर्फ कैंसर के जेनेटिक टारगेट पे ही काम करती है और बॉडी के नॉर्मल सेल को इफेक्ट नहीं करती। तो यदि फॉर एग्जांपल लंग कैंसर की बायोमार्कर टेस्टिंग से हमें निकलता है कि लंग कैंसर में एक पर्टिकुलर टारगेट है या जेनेटिक टारगेट है, तो उसी जेनेटिक टारगेट की दवाई पेशेंट को खाने के लिए दी जा सकती है, जो बॉडी में जाके उस जेनेटिक टारगेट को अटैक करके उस सेल को किल कर सकती है। और चूंकि वो जेनेटिक टारगेट नॉर्मल सेल में नहीं है, इसलिए उसके साइड इफेक्ट भी ना के बराबर होते हैं। तो लंग कैंसर में टारगेटेड थेरेपी सबसे सक्सेसफुल और सबसे बेस्ट सर्वाइवल वाली ट्रीटमेंट है। लंग कैंसर टारगेटेड थेरेपीज का आउटकम यूजली सालों साल में गिना जाता है और इनके साइड इफेक्ट्स बहुत ही मिनिमल होते हैं। तो किसी भी लंग कैंसर पेशेंट की बायोमार्कर टेस्टिंग में यदि टारगेट निकलता है तो हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस उसको टारगेटेड थेरेपी देना होता है। आज के दिन लंग कैंसर में कॉमनली 12 टारगेट्स की टेस्टिंग की जाती है, जिनमें जिनकी लिस्ट है EGFR, ALK, ROS, BRAF, HER2, KRAS, MET, RET, NTRK 1, 2 एंड 3, इन एडिशन टू इम्यूनोथेरेपी टेस्ट, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। और इंपॉर्टेंट है कि जो मैंने टारगेट्स बताए हैं इनमें से हर टारगेट की एक स्पेसिफिक दवाई अवेलेबल है, और वो दवाई यदि पेशेंट को दी जाएगी तो पेशेंट का सर्वाइवल बहुत अच्छा होता है और आउटकम बहुत ही अच्छा होता है। तो नेक्स्ट ट्रीटमेंट जो लंग कैंसर में यूज की जाती है उसको हम बोलते हैं इम्यूनोथेरेपी। तो फ्रेंड्स, इम्यूनोथेरेपी एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बट लंग कैंसर में जो इम्यूनोथेरेपी यूज की जाती है वो मेनली कुछ स्पेशल तरह की दवाइयां होती है जिनको चेकपॉइंट ब्लॉकर बोलते हैं। ये दवाइयां बॉडी में जाती है और ट्यूमर और इम्यून सिस्टम जिनका इंट्रैक्शन नहीं हो पा रहा है, यानी इम्यून सिस्टम ट्यूमर को मारना चाह रहा है पर कुछ सिग्नल्स की वजह से वो ट्यूमर को नहीं मार पा रहा है, ये दवाइयां उन सिग्नल्स को ब्लॉक करके अलाउ करती है कि इम्यून सिस्टम ट्यूमर को पहचान सके और उसको किल कर सके। तो इन दवाइयों को यानी चेकपॉइंट ब्लॉकर्स को पेशेंट को दिया जाता है, बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट या स्टिमुलेट करके वो कैंसर को एलिमिनेट करने में हेल्प करती है और कैंसर को किल करने में हेल्प करती है। और थर्ड इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट होता है कीमोथेरेपी। तो फ्रेंड्स, कीमोथेरेपी एक पुराना ट्रीटमेंट है लंग कैंसर का, और कीमोथेरेपी मेनली
दवाइयां होती है जो बॉडी में चढ़ाई जाती है और बॉडी में जो भी सेल तेजी से डिवाइड कर रहे हैं उनको जाके कीमोथेरेपी किल कर देती है। तो चूंकि बॉडी में सबसे फास्ट लंग कैंसर सेल ही डिवाइड कर रहे होते हैं इसलिए इम्यूनोथेरेपी कीमोथेरेपी का असर बेस्ट लंग कैंसर पर ही होता है। तो कीमोथेरेपी एक ओल्डर ट्रीटमेंट है जो लंग कैंसर पर यूज की जाती है। पर और कीमोथेरेपी का मेन एडवांटेज ये होता है कि कीमोथेरेपी मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट यानी ऑलमोस्ट 70-80% पेशेंट में काम करती है और बीमारी को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, कीमोथेरेपी बाई इट सेल्फ यूजली ट्यूमर को ना तो जड़ से इलाज कर सकती है ना लॉन्ग टर्म सर्वाइवल दे सकती है। इसलिए मेजॉरिटी ऑफ केसेस में लंग कैंसर में आज के दिन रिकमेंडेड है कि कीमोथेरेपी को अकेले ना दिया जाए और कीमोथेरेपी को या तो टारगेटेड थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी के साथ कंबाइन करके दिया जाए ताकि पेशेंट का लॉन्ग टर्म सर्वाइवल मेंटेन रहे। तो एज पर बायोमार्कर रिपोर्ट आज के दिन टिपिकली मोस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि गिविंग कीमोथेरेपी बाय अलोन विल नॉट गिव यू अ वेरी गुड लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। और गोल यही होता है कि या तो हम कीमोथेरेपी दे ही ना टारगेटेड इम्यूनो ही दे, या कीमोथेरेपी दी भी जाए तो उसको टारगेटेड इम्यूनोथेरेपी के साथ कंबाइन करके दिया जाए ताकि पेशेंट का लॉन्ग टर्म सर्वाइवल अच्छा और पेशेंट का आउटकम लॉन्ग टर्म तक बढ़िया रहे। तो फाइनली बात करते हैं कि इन ट्रीटमेंट्स को कंबाइन करके पेशेंट का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो इन ब्रीफ, जब पेशेंट हमारे पास स्टेज 4 लंग कैंसर लेके आता है उसकी बायोप्सी करके या ब्लड से हम ट्यूमर का बायोमार्कर एनालिसिस करते हैं और टिपिकली बायोमार्कर रिपोर्ट पेशेंट की किसी ना किसी टेस्ट के लिए पॉजिटिव आती है जो बताती है हम पेशेंट को कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो जो डेटा अवेलेबल है वो ये कहता है कि अप्रोक्सीमेटली 1/3 मरीज टारगेटेड थेरेपी के लिए पॉजिटिव आएंगे और इन पेशेंट को टारगेटेड थेरेपी की दवाइयों से जो कि यूजुअली टैबलेट्स होती है और कभी कभी इंजेक्शन होती है ट्रीट किया जाता है। कुछ म्यूटेशन ऐसी होती है जिनमें टारगेटेड थेरेपी अलोन दी जाती है, कुछ म्यूटेशन ऐसी होती है जिसमें टारगेटेड थेरेपी को कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी का कंबाइन किया जाता है। बट इन जनरल एवरी पेशेंट हु गेट्स टारगेटेड थेरेपी दे हैव अ वेरी गुड आउटकम। टारगेटेड थेरेपी चूंकि ट्यूमर की तरफ जेनेटिकली टारगेटेड है इसलिए ऑलमोस्ट 80% पेशेंट में ज्यादातर काम करती है और बहुत अच्छा लंबा लॉन्ग टर्म सर्वाइवल देती है। तो ये तो वो पेशेंट हो गए जिनमें टारगेटेड थेरेपी का बायोमार्कर पॉजिटिव आता है। उसके अलावा अराउंड 50-60% पेशेंट में इम्यूनोथेरेपी का बायोमार्कर पॉजिटिव आता है। जो लंग कैंसर में एक स्पेशल टेस्ट होता है इसको PD-L1 बोलते हैं। तो PD-L1 एक रिसेप्टर होता है जो बताता है कि किस तरह की इम्यूनोथेरेपी उस ट्यूमर में काम करेगी और कितना अच्छा काम करेगी। और जो पेशेंट का PD-L1 स्कोर 1% से ज्यादा है उनमें बहुत अच्छा आउटकम इम्यूनोथेरेपी नाम की दवाई का होता है। और इन पेशेंट का मेनली ट्रीटमेंट या तो इम्यूनोथेरेपी अलोन यानी अकेले इम्यूनोथेरेपी से किया जा सकता है या इम्यूनोथेरेपी विद कीमोथेरेपी यानी कीमो और इम्यूनोथेरेपी को जोड़ के किया जा सकता है। नेट रिजल्ट दोनों केस में ये होता है कि पेशेंट का एक अच्छा डीप और लॉन्ग बढ़िया लॉन्ग टर्म सर्वाइवल मिलता है। फाइनली कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें टारगेटेड थेरेपी का टेस्ट भी नेगेटिव है और इम्यूनोथेरेपी का टेस्ट भी नेगेटिव है। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग ऐसे पेशेंट ओनली अराउंड 20% होते हैं और इन पेशेंट का ट्रीटमेंट आज के दिन भी डिफिकल्ट है। परंतु इन पेशेंट के पास भी कीमोथेरेपी के साथ कुछ स्पेशल तरह की इम्यूनोथेरेपी जोड़ के देने का ऑप्शन है जो लो PD-L1 में भी काम करती है और इम्यून सिस्टम के जरिए ट्यूमर को अच्छी तरह लॉन्ग टर्म सप्रेस करती है। तो आज के दिन जिन पेशेंट में टारगेटेड और इम्यूनो दोनों के बायोमार्कर नेगेटिव है उनमें भी लॉन्ग टर्म सर्वाइवल का ऑप्शन है। हालांकि उनका आउटकम शायद टारगेटेड या इम्यूनोथेरेपी वाले पेशेंट से रिलेटिवली कम अच्छा हो पर इनमें भी हम इम्यूनोथेरेपी प्लस कीमोथेरेपी की कॉम्बिनेशन से लॉन्ग टर्म गुड आउटकम या सर्वाइवल पेशेंट को दे सकते हैं। तो फाइनली बात करते हैं फ्रेंड्स 2024 में लंग कैंसर का सर्वाइवल यानी लॉन्ग टर्म आउटकम कैसा है। तो फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लंग कैंसर का लॉन्ग टर्म सर्वाइवल या आउटकम डिपेंड करता है कि पेशेंट का लंग कैंसर का बायोमार्कर यानी पेशेंट का लंग कैंसर जेनेटिकली किस प्रकार का है। और बेसिकली हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट का टारगेटेबल ट्यूमर है, इम्यूनोथेरेपी रेजिस्टिव ट्यूमर है या नन ऑफ द अबव, और उस पेशेंट पे बेसिस पे हम पेशेंट का सर्वाइवल डिस्कस कर सकते हैं। तो जिन पेशेंट में टारगेटेड थेरेपी के बायोमार्कर पॉजिटिव होते हैं उनका सर्वाइवल डिपेंड करता है कि उनमें कौन सा टारगेटेड थेरेपी का बायोमार्कर आया है। तो ऑलमोस्ट 11 या 12 बायोमार्कर में से कुछ बायोमार्कर्स हैं जिनमें बहुत ही अच्छा सर्वाइवल है। फॉर एग्जांपल यदि हम ALK बायोमार्कर की बात करें जो करीब 5% पेशेंट में होता है, तो ALK पॉजिटिव पेशेंट में आज के दिन जो एवरेज सर्वाइवल है वो 8-10 ईयर्स या उससे भी ज्यादा है। ऑन दी अदर हैंड यदि हम कुछ और बायोमार्कर्स की बात करें जो रिलेटिवली लेस कॉमन या मोर कॉमन है या पर जिनकी इफेक्टिवनेस ALK से कंपेयर कम है, उनमें भी ज्यादातर बायोमार्कर्स में आज के दिन जो मीडियम सर्वाइवल है एवरेज सर्वाइवल इज बिटवीन 3-4 ईयर्स एंड 5 ईयर सर्वाइवल इज अराउंड 30-40%। तो एज ऑफ 2024 इवन पेशेंट जिनको लेस पोटेंट बायोमार्कर्स है उनका भी लॉन्ग टर्म सर्वाइवल रीजनेबली अच्छा माना जाता है। और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये जो आंकड़ा हमने डिस्कस किया है ये ईयर बाय ईयर बढ़ रहा है क्योंकि हर टारगेट की बहुत सारी नई टारगेटेड थेरेपीज एवरी ईयर लॉन्च की जा रही है। तो मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट जिनमें टारगेटेबल बायोमार्कर है
उनको वो एक अच्छा लॉन्ग टर्म सर्वाइवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं उन पेशेंट की जिनमें टारगेटेड थेरेपी का बायोमार्कर नहीं है पर इम्यूनोथेरेपी का अच्छा बायोमार्कर है। तो फ्रेंड्स, हालांकि इन पेशेंट को कीमोथेरेपी अलोन से लॉन्ग टर्म सर्वाइवल बहुत अच्छा नहीं है, पर डेटा ये कहता है कि इन पेशेंट को यदि हम कीमो इम्यूनोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी से ट्रीट करें तो इन पेशेंट का लॉन्ग टर्म सर्वाइवल बहुत अच्छा है। ऑन एवरेज इन पेशेंट का सर्वाइवल इज 2 to 2.5 years, और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल की यदि हम बात करेंगे कि इन पेशेंट में 5 years से ज्यादा सर्वाइवल है, जड़ से इलाज हो सकता है, तो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल टिपिकली इन पेशेंट का अराउंड 25% होता है। यानी 4 में से 1 पेशेंट आज के दिन, जो आज के दिन ड्रग्स अवेलेबल है, स्टेज 4 में अपनी बीमारी को पूरी तरह खत्म पाएगा और 5 ईयर सर्वाइवल पाएगा। यानी 1 out of 4 पेशेंट विल बी अ लॉन्ग टर्म सर्वाइवल, की बीमारी वापस नहीं आएगी और बीमारी इम्यूनोथेरेपी की मदद से खत्म हो जाएगी। और फाइनली उन पेशेंट की बात करते हैं जिनका ना टारगेटेड सेंसिटिव है ना इम्यूनोसेंसिटिव ट्यूमर है, तो इन पेशेंट में भी आउटकम अच्छा है। जो हालांकि जो एवरेज सर्वाइवल है इन पेशेंट का दूसरी पॉपुलेशन से कम है, और उनका एवरेज सर्वाइवल टिपिकली 1 और 2 साल के बीच में होता है, परंतु इस पॉपुलेशन में भी डेटा ये कहता है कि आज के दिन जो मोर पोटेंट इम्यूनोथेरेपी अवेलेबल है उससे अराउंड 1 out of 5 पेशेंट्स कैन बी अ लॉन्ग टर्म सर्वाइवर, और 20% 5 ईयर सर्वाइवल ये पेशेंट भी रियलाइज कर सकते हैं विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ कीमोथेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन सारे पेशेंट्स को नॉवल से नॉवल ट्रीटमेंट का फायदा उठाने की कोशिश करनी चाहिए, और जो पेशेंट्स ट्रेडिशनल थेरेपी के अलावा क्लिनिकल ट्रायल्स की ऑप्शन पा सकते हैं उनको कोशिश जरूर करनी चाहिए कि पेशेंट क्लिनिकल ट्रायल ज्वाइन करें और लेटेस्ट और बेस्ट टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी का फायदा उठाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने आउटकम बताया सब पेशेंट का यूनिफॉर्म नहीं होता, ऐसा नहीं है कि सब पेशेंट की लाइफ 1 साल ही होगी या 2 साल ही होगी या 3 साल ही होगी, ये एक रेंज है। तो यदि हम 100 पेशेंट को ट्रीट करें तो वी कैन टॉक इन एवरेजेस, बट वी कैन नॉट टॉक अबाउट एक पेशेंट का लॉन्ग टर्म सर्वाइवल क्या होगा। बट नेवरदलेस फ्रॉम एन एरा जहां पे 5 ईयर सर्वाइवल 0% होता था टू एन एरा जहां पे अराउंड टारगेटेड थेरेपी में ऑलमोस्ट 40% पेशेंट और इम्यूनोथेरेपी में ऑलमोस्ट 25% पेशेंट को जड़ से इलाज कर पाना या 5 ईयर सर्वाइवल दे पाना, एक बहुत ही अच्छा और मेजर एडवांसमेंट है। और यदि आप हमारे आज के वीडियो को हमारे पुराने वीडियो से कंपेयर करें तो आप समझेंगे कि विद इन 3 ईयर्स ये फील्ड कितनी चेंज हो गई है। एंड डेफिनेटली एज मोर एंड मोर ड्रग्स कम, मोर एंड मोर टेक्नोलॉजी कम, पेशेंट का आउटकम इंप्रूव होता रहेगा और सर्वाइवल इंप्रूव होता रहेगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको इस टॉपिक के बारे में यूजफुल जानकारी मिली हो। स्टेज 4 लंग कैंसर हमारी कंपनी का, हमारी कंट्री का एक कॉमन कैंसर है, और इस कैंसर के ट्रीटमेंट में ऑलमोस्ट एवरी ईयर कोई ना कोई मेजर एडवांसमेंट आती रहती है। हालांकि हमने इस टॉपिक का वीडियो कुछ साल पहले बनाया था, पर रिसेंट एडवांसमेंट से इस वीडियो में, इस टॉपिक में बहुत ही ज़्यादा चेंज आया है, इसलिए मुझे लगा हमें एक रिपीट वीडियो बनाना चाहिए ताकि पेशेंट को इस बारे में जानकारी मिले। यदि वीडियो में डिस्कस इन्फॉर्मेशन के अलावा आपको कोई क्वेश्चन है तो स्क्रीन पर डिस्प्ले सोशल मीडिया लिंक से या वीडियो कमेंट से अपना सवाल डाल के मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का जवाब आपको जल्द से जल्द मिले। फ्रेंड्स, हमारे चैनल का मेन पर्पज ये है कि हमारी कंट्री के पेशेंट को उनकी भाषा में वर्ल्ड का लेटेस्ट और बेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी मिले। तो इस मिशन में हमसे जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल से सब्सक्राइब करें। जल्दी आएगा एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू।